हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज मैं आपको इंडोर प्लांट की सीरीज़ में मेरा अगला प्लांट दिखाने जा रही हूँ। उसका नाम है फिलोडेंड्रॉन और इसका कॉमन नेम है पेंटेड लेडी। फिलोडेंड्रॉन पेंटेड लेडी ऐसा भी इसको कहा जाता है। और ये एक, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे ये कॉमन प्लांट है, बहुत ही आसानी से मिलता है, लेकिन कई जगह ये बहुत रेयर है। मतलब आसानी से इसको आप ढूंढेंगे तो नर्सरीज में भी कई कई जगह ये प्लांट अवेलेबल नहीं है। तो ये फिलोडेंड्रॉन का जीनस और स्पीसीज इसकी बहुत आसानी से मिलने वाली, वैसे तो देखा जाए तो लेमन लाइम इसकी स्पीसीज और एक है दूसरी, वो आसानी से मिलती है। और ये पेंटेड लेडी करके दूसरा प्लांट है फिलोडेंड्रॉन। ये अरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और साउथ अमेरिकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से इसका नेटिव उसी जगह है। ओरिजिनली ये साउथ अमेरिकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का प्लांट है। ऐसे हाउस प्लांट या इंडोर प्लांट या शेड लविंग प्लांट, ये दूसरे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं और एज अ क्लाइंबर के रूप में वो दूसरे पेड़ों के ऊपर आपको फॉरेस्ट में चढ़ते हुए मिलेंगे। यहाँ पे आप बाजू में देख रहे हैं, साइड में ये एपिपेरम की एक वैरायटी है, मनी प्लांट जो कॉमन नेम आप बोलते हैं इसका, जेड मनी प्लांट है। और ये डिफेनविकिया है, डिफेनविकिया पिक्टा की ये वैरायटी है। अगर आप डिफेनविकिया पिक्टा के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा इसके ऊपर वीडियो है, ये एपिपेरियम के ऊपर भी वीडियो है इसकी, इसका कल्टीवेशन और सॉइल कंपोजिशन और कैसे केयर करना है इसके, दोनों के ऊपर मेरे इंडोर प्लांट की सीरीज़ में वीडियोज़ है, आप वो देख सकते हैं प्लांटेरियन लिविंग में। इसके पहले मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। तो फिर मैं आपको फिलोडेंड्रॉन के बारे में बताने जा रही हूँ। ये पेंटेड लेडी फिलोडेंड्रॉन है। इसके लीव्स यंग लीव्स होते हैं तो इसका कलर येलोइश ग्रीनिश ऐसा होता है इसका। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इसका, ब्यूटीफुली इसको जैसे कि ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं हम पेंट करते हैं ना, वैसा इसके ऊपर डिज़ाइन है। जो पत्ते मींस ज़्यादा छोटे होते हैं या यंगर लीव्स है इसके, तो उसको एक शाइनी आप देख रहे हैं येलोइश, इसको शाइनी एक लेयर ऐसा दिखता है, लेदरी शाइनी लेयर इन सभी पत्तों के ऊपर है। लेकिन वो जो शाइनी टिंज है ये यंग लीव्स पे ज़्यादा दिखती है। ये लीव्स जब यंग होते हैं तब इसकी मिड्री पिंक कलर की आती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और बहुत ही एक सुंदर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है पिंक येलो और ग्रीन का। और जैसे ये ओल्डर हो जाते हैं लीव्स, जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं तो ये पिंक मिड्री गायब होती है। और इसके बॉर्डर भी आपको देख रहे हैं आप, जैसे कि लाइट पिंक कलर के बॉर्डर आते हैं यंग लीव्स पे, लेकिन जब जैसे ये ओल्डर ग्रो करते हैं वो दोनों भी पिंक कलर का टिंच गायब हो जाता है। और ओल्डर ग्रो करते वक्त ग्रीन कलर डार्क होने लगता है और इसका लाइट ग्रीन इसके ऊपर ऐसा लाइट ग्रीन कलर का डिज़ाइन आ जाता है। ये पेंटेड लेडी वैरायटी का और एक ये में कलर है इसके, मतलब इसके प्लांट में आपको पिंक कलर भी दिखेगा जो स्टेम पे आप देख रहे हैं। ये पेंटेड लेडी वैरायटी में इसके स्टेम्स पिंक कलर के आते हैं और बहुत ही सुंदर एक कलरफुल लुक आता है इस प्लांट को। आप अगर इसको घर में लगाना चाहते हैं तो ये टेबल प्लांट करके भी बढ़ता है और मॉस्टिक पे भी ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है।
ये अरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और जैसे कि बहुत सारी वैरायटीज इस फिलोडेंड्रॉन स्पीसीज में क्लाइंबर की तरह कैटेगरी में आते हैं, क्लाइंबर की कैटेगरी में। इसलिए ये मॉस्टिक पे भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। बहुत सारी जगह ऑफिस प्लांट करके भी इसको कॉर्नर में लगाया जाता है। अगर आप इसको घर में लगाना चाहते हो तो 6 या 8 इंच के पॉट में आप इसको लगा सकते हो। इसके पत्तियाँ मीडियम साइज़ की होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। फिलोडेंड्रॉन की दूसरी और वैरायटीज़ है जो मॉन्स्टेरा में आती है, उसके बहुत सारे बड़े बड़े पत्ते आते हैं और उसका भी एक सुंदर लुक आता है। आप यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल लुक देख रहे हैं पेंटेड लेडी का, आप ये घर में ज़रूर लगाइए। वैसे तो ये अवेलेबल बहुत सारी नर्सरीज में है, लेकिन एक मुझे कई सारी नर्सरीज में नहीं मिला, इसलिए ये बहुत आसानी से मिलने वाला नहीं। जहाँ कहीं भी अवेलेबल है वहाँ पे आप ले सकते हैं, और बहुत ही एक सुंदर ब्यूटीफुल कलरफुल लुक आप आपके घर के प्लांट को दे सकते हैं, या आप घर पे भी रख कर आपका घर का लुक बढ़ा सकते हैं। इसका सॉइल कंपोजिशन एज ए इंडोर प्लांट के लिए मॉइस्चर होल्डिंग सॉइल चाहिए, इसलिए आप कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, एनी कंपोस्ट जो आप लेते हैं वो 40% लीजिए, और 10% सैंड लीजिए, 30% गार्डन सॉइल या एनी सॉइल चलता है इसको, और कोकोपीट थोड़ा सा ऐड कीजिए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट की मात्रा बढ़ाइए, उसमें भी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और न्यूट्रिशन भी होता है। इसलिए अगर आपको लीफ कंपोस्ट मिला तो भी चलता है, कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और इसको वाटरिंग सॉइल, ये ह्यूमिडिटी और वाटर लविंग प्लांट है, इसलिए इसको कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए इसकी सॉइल। अगर आप इसको घर में रखना चाहते हो तो 3-4 दिन में एक बार इसको पूरा पानी दीजिए। इसके नीचे जो हम वाटर एरेशन और वाटर के लिए जो होल्स छोड़ते हैं, वहाँ से पानी आने तक इसको वाटर कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा ब्राइट सनलाइट में मत रखिए। ये इसको फिल्टर सनलाइट या विंडो के पास या किसी शेडी जगह पे आप इसको रख दीजिए, कॉर्नर पे वगैरह, तो आप इसकी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। और एक बात, ये ह्यूमिडिटी और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट होने के कारण इसको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, वार्म ह्यूमिडिटी पसंद है, इसलिए कोल्ड सीजन में थोड़ा सा इसको घर के अंदर ही रखिए। गार्डन में ये सरवाइव करता है, लेकिन ग्रोथ इसकी थोड़ी सी कम होने लगती है, श्रिंक हो जाती है। इसलिए इसके ऊपर किसी भी इंसेक्ट या अफाइड्स का अटैक ज़्यादातर नहीं होता, अगर होता भी है तो लाइट सोप वाटर करके आप इसकी पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए तो आपको उससे भी छुटकारा मिलता है। ये 6 या 8 इंच के पॉट में मैंने जैसे बताया वैसे आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको मॉस्टिक पे चढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा पॉट लीजिए, और मॉस्टिक पे भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये शेड लविंग प्लांट है, इसलिए गार्डन में अगर आप रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट या ब्राइट या स्ट्रॉन्ग सनलाइट में ये नहीं रखे तो ही अच्छा है। किसी बड़े ट्री के नीचे या और बहुत सारी छोटे छोटे जो हम पौधे या पॉट्स लगाते हैं उसके बीच में रखा तो ये बहुत सुंदर दिखता है और अच्छी ग्रोथ भी देता है। फिलोडेंड्रॉन का पेंटेड लेडी का ये प्लांट आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइए। आप भी घर में इसको लगाइए और आप इसका आनंद ज़रूर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।